हाय गाइज, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अधीर और आप देख रहे टेक अधीर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक ओपन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे थ्री लाइंस में टैप करूँगा और यहाँ पे प्रोफाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा नाम है वो कितना अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है। ऐसे आप कोई भी ऐसे जो कीपैड है, कीपैड में आप ऐसे नाम नहीं लिख सकते हो। बहुत सारे वीडियो शायद देख चुके हो लेकिन आज की इस वीडियो में आपका ज़रूर कामयाबी मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, पूरी देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह और भी ट्रिक आपको देखने के लिए मौका मिले। तो गाइज, आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो बाद में आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो आपका मोबाइल में से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है FB स्टाइलिश नेम मेकर। जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, आपका सामने शो हो जाएगा लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला को ले लेना है। जो यहाँ पर आप अच्छा से देख लो, ये लोगो है FB लिखा है, FB स्टाइलिश नेम मेकर टेकोनली उसका नाम है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ओपन कर लेना होगा। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये अलाउ मांग रहे तो अलाउ दे देना और इस तरह आ जाएगा आपका सामने खोल के। तो आपको FB स्टाइलिश नेम मेकर, FB कैपिटल लेटर मेकर सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे ये वाला चाहिए FB स्टाइलिश नेम मेकर, तो इसमें टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे आ चुका है इस तरह। तो आपको यहाँ पे जो नेम सबसे ऊपर में है उसको कट कर देना होगा और कट करके यहाँ पे अपना आपका आप फेसबुक में जो भी नाम रखना चाहते हो या फिर चेंज कर सकते हो या फिर जो नाम है उसी को यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टेक का FB चैनल है उसका मैंने एक बार नाम चेंज किया हूँ लेकिन वो 60 डेज के अंदर में दोबारा आप उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे उसको बिठाओगे वहाँ पे तो आपको अच्छा वाला एक लिख लेना क्योंकि वो 60 डेज के अंदर में, 2 मंथ के अंदर में आप दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ रिपन AN। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ट जो आ रहा है एक ऑप्शन, आपको कन्वर्ट में टैप कर देना होगा। जैसे कन्वर्ट में टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टाइलिश का नाम आ चुका है। तो यहाँ से कौन सा भी आप ले सकते हो कॉपी करके। सबसे ऊपर में एक स्टाइलिश है, सेकंड नंबर में एक है और थर्ड नंबर में एक है, चौथा में एक है, तो मुझे पाँचवा ये वाला लेना है, जो ये वाला है तो उसको लेना है। तो इसका साइड में देखो कॉपी आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी में टैप कर दूंगा। जैसे किया, ये देखो टैक्स कॉपीड हो चुका है, तो ओके कर देंगे। इसका काम और कुछ नहीं है तो यहाँ से डायरेक्टली मिनिमाइज कर दूंगा। और करने के बाद यहाँ पे जो ऑफिशियल फेसबुक ऐप है ये वाला, तो उसको उसका अंदर में जाके आप आपका नाम जो यहाँ पे कॉपी किया हो उसको पेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं प्रैक्टिकल दिखा लेता हूँ। तो इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इस तरह आ जाएगा। तो राइट साइड में जो 3 लाइन्स है उसमें टैप कर देना। टैप करने के बाद नीचे की तरफ ये सेटिंग मिल रहा है तो सेटिंग में टैप कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग, फिर दोबारा प्राइवेसी, शॉर्टकट, डायरेक्ट लैंग्वेज और भी बहुत सारे। तो मैं सेटिंग में टैप कर दूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टैप। फिर यहाँ पे नेम आ रहा है तो नेम में टैप कर देंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। तो ये देखिए मेरा नाम आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इस नाम को कट कर देता हूँ और यहाँ पे दबा के रखता हूँ, देखता हूँ पेस्ट होता है कि नहीं। ये देखो मैं दबा के रख रहा हूँ लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से आपको नहीं होगा। आप इसको ओनली ऐसे राइटिंग करके चेंज कर सकते हो। तो मुझे जो कॉपी किया वो वाला को बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो आपको छोटा सा और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो फेसबुक लाइट, फेसबुक लाइट ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ तो उसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा वही अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, तो आपको जो अकाउंट में करना है उसी अकाउंट को लॉगिन कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए 3 लाइन्स आ रहा है सबसे ऊपर में, टैप कर देंगे। फिर यहाँ पे सेटिंग आ रहा है तो सेटिंग में टैप कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपडेट योर नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, तो उसमें टैप कर देंगे।
टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम में, नेम के राइट साइड में जो एडिट आ रहा है तो एडिट में टैप कर देंगे। टैप करने के बाद यहाँ पे इस तरह आ गया है, तो उस पर हम कट कर देंगे। कट करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये देखो पेस्ट हो चुका है, तो मुझे रिबन रखना है सबसे ऊपर में और ये वाला को कट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डाल देना है दोबारा, और यहाँ पे उसको सर नेम रख लेता हूँ, ठीक है। रिपन एन हो चुका है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है रिव्यू चेंज, उसमें टैप कर देंगे। ये मेरा, और यहाँ पे आ रहा है देखो, एन रिपन रख सकते हो या फिर रिपन एन, तो जो भी आप रखना चाहते हो उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे रिपन एन रखना है, तो सेकंड वाला को सिलेक्शन करूँगा, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा नाम चेंज हो चुका है, और मैं अभी फेसबुक का जो ऑफिशियल है ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ, करके देखता हूँ जो हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ओपन हो चुका है, तो थ्री लाइन्स में टैप करेंगे और मेरा जो प्रोफाइल है उसमें टैप कर देंगे। टैप करने के बाद ये देखो मेरा जो नेम था वो चेंज होके आ गया है और स्टाइलिश लग रहा है। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो के बारे में कमेंट भी करके जाना, और जो एप्लीकेशन है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। और जो फेसबुक लाइट है उसको भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये जो नाम है वो आपका रहेगा, और उसको चेंज दोबारा का अगर करने चाहोगे तो वो 60 डेज के बाद में होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो आई होप जो आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह और भी ट्रिक आपको देखने के लिए मौका मिले। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।